लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि भाई वो बच्चों के स्कूल पे जो हमला हुआ है उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडम किया। उनको सेंट एंड्रयू मेडल है गालिबन वो भी दिया गया, वहां पे डिनर वगैरह भी साथ किया, 3-4 घंटे साथ रहे। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही हो, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब कि मैं ये शर्तें हैं मेरी और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, जो PM मोदी गए हुए हैं हमारे रूस के बायलैटरल मीटिंग के लिए रशिया गए हुए हैं और वहाँ पे जो उनका भव्य स्वागत हुआ है, जिस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया है, जितना वेलकम उनको मिला है, तो वो देख के वैसे ही दुनिया की आंखें फटी रहेगी। और दुनिया ने जो भारत का बढ़ता हुआ कद देखा हुआ है पूरे ग्लोबल फोरम में, जिस तरीके से रशिया उनको उनके सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया, उसके बाद में सारी दुनिया की आंखें इसी तरह लगी हुई है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बीच में अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है, उस वॉर को रोकने की ताकत अगर किसी में है, किसी की बात सुनी जाती है ग्लोबल फोरम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ PM मोदी है जो हमारे। और इतना ऊंचा कद भारत का ग्लोबल लेवल पे हो चुका है जिसके लिए मतलब पाकिस्तान की मीडिया भी जो है जो उनको प्रेस करती है बोलती है कि जो कद भारत में भारत का हुआ है PM मोदी के कार्यकाल में वो शायद इसके पहले कभी हुआ है और शायद इतनी बात भारत की कहीं पे सुनी जाती है। तो ये सब करते हुए मोदी ने जिस तरीके से पुतिन के सामने बैठकर जो यूक्रेन के स्कूल पे एक हमला हुआ था उसका कंडेम किया हुआ है, उसको जो उसके बारे में जो पुतिन से बात किए, ये सुन के सारे देश एकदम से भारत के कायल हो चुके हैं और सब लोग को आस लगी है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो भारत के सिवाय और कोई उसके ऊपर जो है ना उसको रोक नहीं सकता और भारत की बात सुनी जाती है। इसी मुताबिक जो बात की है और जो आर्टिक जो रशिया भारत के बीच में व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, उनको सुधारने के बीच जो पहल भारत और रशिया की तरफ से हुई है PM मोदी के वहाँ जाने से, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। तो इस बारे में डिस्कशन कैसे चल रहे हैं, मीडिया में किस तरीके से बातें कर रहे हैं, चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट जो आने वाले वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तो जय हिंद, देखते हैं वीडियो को। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडम किया। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही हो, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बना लिया। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठ कर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स on the ground in Belarus has started exercise, joint military exercise in the evening of NATO summit. ये भी बहुत बड़ा सीन, बहुत बड़ा सीन। मैं बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, ये मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि दो लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से, एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है, अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडन की हालत है। मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है, और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? देखिए, उनका विजिट जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है, क्योंकि उनका पहला बाइलैटरल मीटिंग है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और या तो इसके पीछे ये देखा जाए कि देखिए ये है ना कि जो गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है और जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि मोदी साहब को पिछली बार जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था वो मिल चुका था, इस बार फिर से मिला, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा न्यूज़। तो पिछली बार जो था आज भी मिला। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आज भी मिला, PM मोदी को मिला, रूस का सर्वोच्च सम्मान बोले दोनों देशों की दोस्ती का, तो ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, ये पहले भी उनको मिल चुका है। खैर, एनीवेज, बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर, बट रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता।
मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट. तो मेरे ख्याल से हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, डेवलपमेंट रूट का भी हुआ है ना सर, सी रूट वही आर्कटिक रीजन पे जो है, क्योंकि रशिया जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, तो आपका आर्कटिक रीजन पे वो है उसके गवर्नेंस के लिए ट्रीटी, और ये काफी मिनरल है, काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है. लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं. और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे आपका, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब से. तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब कि मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा. अब देखिए आज मोदी साहब के कहने पर जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने, ठीक है ना. तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं. और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस. अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या आप देख लीजिए, मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया मैं आपसे बता नहीं सकता. रशियन सर बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने ना इस टाइप को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यस सर वी आर रेडी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज, बहुत कुछ बातचीत हुई. सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब, पुतिन साहब चाहते हैं फॉर फ्रॉम मोदी साहब. तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर. तो वो देखिए मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है. जैसे यूक्रेन का कहना है कि वो जो डोनेस्क लोहांस वाला रीजन है वहां से निकले, जबकि वहां पे रशिया ने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्लेबिसाइड करवा करके और उसको अपना पार्ट बना दिया है. तो इनका डिमांड है कि आप वो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज था वो